जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शुरू से अगर एक्यूरेसी का ख्याल रख लें तो बाद में बहुत से मसले कम होते हैं, और इसलिए अभी मैं चार चार पाँच पाँच दफ़ा चेक कर रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन मेरे माइंड में है, ये सबसे बड़ा मसला है। मैं कल की तरह वक्त से पहले ज़यीफ नहीं होना चाहता भाई, तो हम ये मास्क पहन रहे हैं देसी जुगाड़ इसकी धूल से बचने के लिए। ये बनने थे, एक मिनट, ये जो पीसेस मैं काट रहा था ना, ये बनने थे बेसिकली जो बाइक के शॉक होते हैं। गलती हो गई, थोड़े पतले हो गए हैं, कोई और पीस ढूंढना पड़ेगा। न्यू पीस ढूंढा है, इसके साथ ट्राई करता हूँ। मिशन सक्सेसफुल, और अच्छी बात ये हुई है कि जो मैं पहले पीस काटे थे ना, ये वाले, ये जो लकड़ी है ये बहुत ही नरम होती है, इसको ये टूट सकती है, ये जल्दी ख़राब होती है, और ये जो पीसेस बन गए हैं ये हैं अमेरिकन एश वुड के, बहुत ही मजबूत, तो ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज़ हो गया भाई। और एक और बात, मैंने आपको सलाम सलाम तो किया नहीं, को हेलो आया हुआ नहीं हमारा। आप देख रहे होंगे कि कल जो वीडियो चढ़ी थी वो हमने ये दो टायर बनाए और कहानी ख़त्म। तो सर क्या सीन ये चल रहा है, एक सेकेंड, तो सीन कुछ यूं चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ डेली वीडियो आए और जितनी प्रोग्रेस हो वो चढ़ा दूँ, इस सेंस में एक व्लॉग स्टाइल, मतलब आप और मेरी जो कनेक्शन है, जो बातचीत है, जो मिलना जुलना है, वो डेली का हो जाए, और इस सेंस में ये होगा कि बातें ज़्यादा हो सकेंगी, काम ज़्यादा दिखा सकूँगा। अभी तो मुझे शॉर्ट करना पड़ता है हर चीज़ को, फास्ट फॉरवर्ड करके और आगे चलना पड़ता है। इस तरह क्या होगा कि कुछ ना कुछ नया मज़ीद होगा और कनेक्शन थोड़ा मजबूत होगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ डेली आ जाए, कभी कोई मिस भी हो सकती है, नो वरीज़। और अब बारी आती है इस मशीन की जो हमने स्पेशल इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल की थी। शुक्र है टाइम के साथ देख लिया, वरना ये पीस हमारा ज़ाया हो जाता, इसमें क्रैक है। और डेली वीडियो बनाने की एक और वजह भी है,
मैंने सुना है कि जितना ज़्यादा आप कैमरा से बात करते हैं ना, उतना ज़्यादा आप उसको दोस्त समझने लगते हैं और फिर आप मजीद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बाय द वे, ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल की शेप निकल के आ रही है, एक मिनट दिखाता। ये चेक करें, कुछ ऐसी शेप बनेगी। अभी सारे रफ रफ मैंने पीसेस काटे हैं, अब इनको शेप देना बाकी है। ये जो डेली वीडियो डालने वाला सीन है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें डिटेल ज़्यादा देख सकेंगे आप। क्योंकि जो प्रोजेक्ट वाइज बनाता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ती हैं। जैसे पिछली वीडियो में जो मशीन लगानी थी वो अगर मैं नॉर्मल बनाता तो वो बना दिखाता। तो इसे लगता है मुझे कि आप ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाकर पता चल सकता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, थोड़ा सा अपडेट होता रहेगा कि आखिर मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं तो अपनापन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इज़ दिस अ वाइज डिसीजन, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।